साथियों, इस समय मैं एतमादपुर में माँ शीतला शीतगृह पर हूँ। और जैसे कि आपको पता है, सब लोगों का मौसम काफ़ी ख़राब ज़्यादा है, तो आजकल किसान थोड़ा सा कम ही आ पा रहा है। बाकी मेरे साथ में राकेश बघेल जी हैं, आप मैनेजर हैं, तो बघेल साहब से बातचीत करेंगे कि किस तरह की स्थिति चल रही है, किस तरह के सौदे वगैरह चल रहे हैं और क्या निकासी विकासी की स्थिति है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मौसम ख़राब है तो किसान कम आ रहा है। दूसरा एक कारण और है कि यहाँ पे बोली रहती है, तो बुधवार और इतवार की बोली रहती है, तो किसान भी केवल उन्हीं दो दिनों आता है, बाकी आने की आवश्यकता भी नहीं किसान को। या तो गाड़ी वाड़ी लोड होनी हो उसकी तो आएगा, अन्यथा उसे खुद के लिए आलू वालू ले जाना होगा तो रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बाकी बघेल साहब से बात करते हैं कि क्या स्थिति है इनके कोल्ड माँ शीतला। साथियों, इस समय मैं एतमादपुर मितावली पर माँ शीतला शीतगृह में हूँ और मेरे साथ मैनेजर साहब हैं राकेश बघेल जी। बघेल साहब से जानना चाहेंगे क्योंकि 2-3 दिन से मौसम ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे मौसम में किसान किस तरह का आ रहा है, अगर आ रहा है तो किस तरह के सौदे हो रहे हैं और क्या स्थिति है। मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है बघेल साहब, अभी 3 दिनों से पिछले 3-4 दिन से ख़राब चल रहा है मौसम। हाँ, किसान मौसम की वजह से थोड़ा कम आ रहा है। मतलब पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो किसी को टाइम ही नहीं मिला किसान को कि भाई आ पाए या कोई भी आ पाए, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि भाई आने का मतलब ही नहीं बनता था। तो अभी ये 2-3 दिनों में सौदे वौदे किस तरह के हुए? 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो बोली का सिस्टम है। अच्छा, बोली लगती है संडे और वेडनेसडे। अच्छा अच्छा, हफ्ते में 2 दिन रहता है तो बोली से होता है अनुपज हुआ बिक्री जो भी है। तो पिछली जो हमारे यहाँ बोली लगी है उसको बुधवार को जो बोली लगी है तो उसमें ऐसा जो मैन जो है 37 आने वालू होता है, बढ़िया आलू सुपर आलू के रेट मानो 1350 रुपये तक, 1350 रुपये पैकेट का, पैकेट के तो यहाँ 52-300 की तोले या 52-500 की? 52-500 जाता है, 52-500 की। अच्छा, कहीं कहीं 52-300 की भी है। 52-300 उधर है समसाबाग, 52-300 हमारे यहाँ टोटल क्षेत्र में जो है तो वहाँ पर क्षेत्र अगर हम 52-500 की रहती है। 37-97 के अलावा हाइब्रिड आलू के सौदे किस तरह के? ये मान के चलो आप 1000 से 1200 एक हजार से 1200 रुपये बारह सौ रुपये तक के सौदे हैं। निकासी करीब करीब आपके कोल्ड की कितनी होगी? अभी हमारा तो ये मान के चलो निकासी जो है हमारा कोल्ड में 1,05,000 पैकेट थे, 35-36% के करीब निकला है। 36%। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर हम इस साल की महीने वाली निकासी जानना चाहें, जैसे अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, तो महीनों के हिसाब से निकासी घटते क्रम में है क्या, ठीक ठाक है? नहीं देखिए, मार्च के बाद अप्रैल, मई अप्रैल में तो शुरुआत ही हो गई थी कोल्ड की ओपनिंग हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मार्च और अप्रैल मई अप्रैल में अच्छा था, अच्छा निकासी थी। उसके बाद जून जुलाई, जून तक अच्छा था, जुलाई इस मंथ जुलाई और जुलाई में तो बहुत डाउन रहा। अच्छा, और इस अगस्त में भी 8-9 दिन हो गए डाउन चल रहा है। तो अगस्त में तो खैर मौसम एक बड़ा मुझे लग रहा है मौसम की वजह से थोड़ी सी स्थिति है, और जुलाई में ऐसे लगता है कि जुलाई में थोड़ा सा जो अप डाउन मार्केट में हुआ था तो उस वजह से किसान ने नीचे भाव में देना नहीं चाहा, किसान ने अप डाउन की वजह से। तो वैसे अगर निकासी की स्थिति देखी जाए तो पिछले साल से तुलना करें तो निकासी तो इस तरह ठीक ठाक है, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। निकासी कोई समस्या, क्योंकि 36% आपकी ये निकासी हो गई और बीज का करीब करीब कितना रहता होगा? 20% तो मान के चलो, 20% होता है, 56% के आसपास हो गया सीधा सीधा, ये तो क्लियर हो गया। 56 के बाद 40-44% रह गया। तो अच्छा, कोल्ड आपका अक्टूबर में ही बीज के साथ ही बंद कर देते हैं आप, या आगे तक ले जाते हैं? नवंबर तक फिर तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं है। समस्या वाली तो आलू में कोई बात नहीं, अभी तो कोई नहीं। अच्छा, रेट की अगर बात करें तो जैसे किसान उम्मीद लगा रहा है कि आने वाले दिनों में 150 रुपये और ऊपर मिल जाए, तो ये आने वाले दिनों में थोड़ा सा भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता आलू के संबंध में, लेकिन एक आकलन रहता है। आकलन ये है, आकलन तो जैसे मौसम की मार रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय। बिल्कुल, तो अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मौसम गर्मी थोड़ी कम है तो रेट अप होने के चांस है। रक्षाबंधन तक कुछ असर पड़े? फर्क पड़ रहा है मंडियों में, रेट अप हुए मंडियों में। वैसे तो लोगों को जानकारी लगातार मिलती रहती है मंडियों के रेट की, तो ज्यादातर किसानों को पता है,
सब जानते हैं सबके पास फोन है वो। मैं वही कह रहा हूँ सबसे पता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी कुछ दिनों में देखने में एक चीज आई थी कि मंडी में रेट तो बढ़िया आप आलू बिक रहा है, लेकिन कोल्ड पे खरीदारी व्यापारी उस हिसाब से जो आज से महीने भर पहले या 40 दिन पहले की थी उन रेटों के हिसाब से नहीं कर रहा था। ऐसा था, देखिए मंडियों में तो रेट सही था, लेकिन जो व्यापारी ने जो ऐसा है ना, आपकी ज्यादा हाइब्रिड आलू वेराइटी जो है वो 37-97 से अधिक हुई है उत्पादन। अच्छा, किसान ने ज्यादा पकड़ा उसको हाइब्रिड, तो हाइब्रिड आलू जो किसान जो व्यापारी खरीद रहे थे उसको लोड कर रहे थे, उसमें थोड़ा साउथ में जा रहा है बाहर की रोड है तो उसमें दागी हो रहा था आलू, तो इस वजह से व्यापारियों ने कम पकड़ा उसको गर्मी में, तो ये भी कारण रहा है उसमें व्यापारी का ऊपर ना खरीदने का, खरीदने का ये कारण। अच्छा, अब तो जैसे आपकी पिछले यहाँ बोली रही है, बता रहे हैं 1350 तक की है, तो जैसे अब संडे को बोली रहेगी, संडे को लगेगी तो उम्मीद है कुछ 50-100 रुपए की ऊपर की अप है, मतलब हो सकता है 1400 या 1400 तक के सौदे उम्मीद है हो जाए या हो सकते हैं। मौसम भी ठंडा हो गया ना। हाँ, मौसम ठंडा हुई है और 37-97 की डिमांड भी इस साल अच्छी है बाहर की मार्केट में, हाइब्रिड की अपेक्षा 37-97 तो चल ही रहा है, हाइब्रिड की जो है मांग बढ़ जाएगी। अच्छा, मौसम ठंडा हो गया ना, मौसम ठंडा हो गया। अच्छा, अगर एतमादपुर के में आसपास या आपके आसपास कोल्डों की बात करूं तो निकासी का क्या रेशियो होगा, क्या परसेंटेज होगा? अब देखिए निकासी का रेशियो तो अभी हमारे यहाँ तो 35-36% का है। ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो, एवरेज करीब करीब क्या आ जाएगा? ये मान के चलो 37-38% का होगा, 37-38% 40% नहीं हुआ, 40 मतलब 35-38% के बीच में। एतमादपुर की अगर बात करें, जो एतमादपुर क्षेत्र में अपना जितने भी कोल्ड स्टोर है 35-38 के बीच में। तो ये साथियों, ये माँ शीतला शीतगृह से बघेल साहब ने बताया क्या स्थिति है, किस तरह के सौदे हैं, किस तरह की निकासी है, और बाकी मंडियों की स्थिति अब सुधर रही है, तो मौसम में भी सुधार हो रहा है, गर्मी की वजह से जो व्यापारियों को समस्याएं थी दागी होने की वो भी काफी हद तक खत्म होगी, दूसरी बात मौसम ठंडा है तो खपत भी बढ़ेगी आलू की, खपत बढ़ेगी, ये भी कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।